वही जनपद रुद्रप्रयाग में स्वच्छता, सुंदरता और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। इस पहल के माध्यम से रुद्रप्रयाग में एक नई पहचान मिले, इसके लिए लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव को लेकर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह वॉल पेंटिंग समेत साफ सफाई बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी। हमारा प्लान ये था कि जब हमारा, बिकॉज रुद्रप्रयाग हमारी स्पिरिचुअल नगरी भी है, और जैसे ही यात्रा शुरू हो और जब केदारनाथ दर्शन करने के लिए कोई भी यात्री यहाँ तीर्थालु आए, उसके मन में वो एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, मैं एक इस रुद्र की नगरी में मैं आ गया हूँ। तो इस आधार पर हमने प्लान किया था कि जिस जिस रास्ते से तीर्थालु जाएंगे केदारनाथ के लिए, उसके हर रास्ते पर हम वॉल पेंटिंग और अन्य जो भी हमें रुद्रप्रयाग की जो महिमा है उसको दिखाने के लिए जो हमें करना होगा, वो हम सब प्रयास करेंगे, जिसमें आपकी वॉल पेंटिंग्स भी है, पुलों का सौंदर्यीकरण करना है, पुलों पर लाइट्स लगानी है, सफाई व्यवस्था करनी है, रास्तों को ठीक करना है, जगह जगह पे पार्किंग व्यवस्था करनी है कि सब एक जगह पे ना जाएं, अलग अलग जगह पे हम पार्किंग कर सकें। हम उस पार्किंग्स में हम कियोस्क का प्लान कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों का भी प्लान कर रहे हैं शौचालय के साथ में, जिसमें कभी भी वो रुके, अगर कोई भी यात्री रुक जाए तो उसके पास वॉशरूम जाने के और इवन साथ ही साथ में हमारे कियोस्क के भी जगह रहे वहाँ पर। रुद्रप्रयाग विशेषकर चार धामों में के दो मुख्य धाम हैं, श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम। मुख्य पड़ाव होने की वजह से आदरणीय जिलाधिकारी जी द्वारा जो नवाचारी कार्यक्रम वॉल पेंटिंग किया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे पर्यटकों में एक उत्साह भी रहेगा और हमारे धामों से संबंधित जो पेंटिंग की गई है, जो भव्यता प्रदान की गई है, ये एक सराहनीय पहल है।